देश के ऐसे सपूत जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपनी धरती की रक्षा कैसे करना चाहिए। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल इसी दिन साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उवा तरतई के वीर अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान कर मात्र 25 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के शहादत को देश सदैव याद रखेगा। देश के ऐसे सपूत जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर हम सबको, देशवासियों को और खासकर झारखंड वासियों लगातार प्रेरणा दे रहे हैं उनके जीवन की आहुति देकर, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि अपनी धरती की रक्षा कैसे करना चाहिए और धरती की जो एक जिसे हम कहें कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसे कैसे हम अपने जीवन पद्धति के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। जल, जंगल, जमीन की जो बुनियादी बातें हैं, आज दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, जहां हम इसको देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से या जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से, लेकिन उन सारे चीजों का सारांश को भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से देख सकते हैं, जब उन दिनों के हुकूमत ने जल, जंगल, जमीन का दोहन करना प्रारंभ किया और प्रारंभ करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। उसके विरुद्ध में बिगुल फूकते हुए उन्होंने जन रक्षा की बात की, जंगल रक्षा की बात की, पानी की बात की, धरती की बात की। इसलिए हम अपने मुंडारी भाषा में धरती आबा कहते हैं। धरती से उभर कर उन्होंने हम सबको प्रेरणा देने के लिए अपनी आहुति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।